आपकी दोस्त और होस्ट नेहा बंसल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। बबीता वर्मा के घर गणपति बप्पा के दर्शन को उतावले हुए लोग। SMMARDS NGO की राष्ट्रीय अध्यक्षा समाज सेविका बबीता वर्मा के घर पे गणेश भक्तों का तांता। मुंबई अंधेरी स्थित लश्करिया टावर में सम्मान महिला मल्टीपर्पज एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी SMMARDS NGO की राष्ट्रीय अध्यक्षा समाज सेविका बबीता वर्मा के घर पे इन दिनों गणेश भक्तों का तांता लगा हुआ है। बबीता वर्मा के घर विराजमान मनमोहक गणपति के दर्शन को लोग उतावले हो रहे हैं। समाज सेवा क्षेत्र के अलावा यहाँ बॉलीवुड की फेमस हस्तियाँ गणपति के दर्शन को उतावले हो रहे हैं। इस कड़ी में मिशन पत्रकारिता के अध्यक्ष शैलेश जायसवाल, गीता जायसवाल, ट्रस्टी मयंक शेखर, युवा रोजगार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमर अंसारी, रेशमा अंसारी सहित शिवसेना शाखा प्रमुख एवं मिशन पत्रकारिता के मुंबई सेक्रेटरी सुनील पवार तथा वरिष्ठ पत्रकार लेखक अरुण कुमार कमल और आदि गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर बबीता वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें प्रसाद वितरित किया। करण सिंह प्रिंस और SMMARDS NGO की वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रद्धा सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पेश है एक खास रिपोर्ट। गणपति पप्पा जब भी आते हैं बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं और पप्पा का आगमन सबके दिल में एक एनर्जी भर देता है, तो हम सब पारिवारिक लोग जो है हमारे मेरे परिवार के लोग वो बड़े खुश होते हैं। हम अपने हाथों से सजाते हैं अपना घर, अपने चीजें। इस बार ऑफकोर्स मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दिया और हमने पप्पा का पूरा सेटअप किया, बट अगर आप पप्पा को देखेंगे तो उनकी धोती, उनकी चीजें, मेरी दीदी हमेशा हर साल अपना टच देती है, तो खुशियां तो बहुत होती है। खुशियों के साथ साथ सब लोग से मुलाकात होना होता है क्योंकि बॉम्बे में अपने आप में सब बहुत बिजी होते हैं, तो यही एक ऐसा वक्त होता है जब सब घर आते हैं दर्शन करने के बहाने, मुलाकात होती है, हंसी मजाक होता है, चाय नाश्ता होता है। तो हाँ जी, ये फेस्टिवल तो बड़ा फेवरेट है हमारा। इतने प्यारे गणपति बप्पा कहाँ से मिले आपको? हर साल हमारा एक परमानेंट बंदा है लोखंड वाला में जिसके पास से हम हमेशा गणपति बप्पा लेते हैं, तो हम हमेशा जाते हैं, अपनी चॉइस बताते हैं, अपना कलर बताते हैं और उस हिसाब से वो बना के हमें बप्पा देते हैं, तो वो फिक्स है हमारा, हम कहीं और नहीं जाते। तो क्या अपने भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बप्पा के भक्त तो हमेशा खुश रहे, बप्पा का आशीर्वाद उनके साथ है। ढोल बजाए, ताशे बजाए, सिर्फ पटाखे मत फोड़े, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ, तो जब पप्पा को लाया गया था तब भी और जब ले जाएंगे या डेढ़ दिन का विसर्जन हुआ है, जितनी भी चीज हुई तो मैंने ट्वीट भी किया, मैंने मैसेज भी डाला, इंस्टा पे भी स्टोरी डाली कि फटाके फोड़ने से क्या होता है, नॉर्मल एनिमल्स या जितने भी ओल्ड एज वाले हैं उनको बहुत परेशानियां होती है, तो हमारे जो एक संस्कृति है उसके हिसाब से कोई भी त्यौहार मनाया जाए और खुशी से और सबको साथ में लेते हुए कोई भी त्यौहार मनाया जाए, मेरा तो यही मैसेज है सबको। तो दीदी, गणपति बप्पा बड़े प्यारे हैं आज, बहुत मतलब बहुत सुंदर मूर्ति है, तो कुछ बताइए इस फेस्टिवल के बारे में। सभी को नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया। हमारे यहाँ घर गणेश जी की जा विराजते हैं, ये महाराष्ट्र का एक चलन है, हमारी कई पीढ़ियाँ महाराष्ट्र से में ही रहती हैं, इसलिए हम लोगों ने कई सालों से हमारी ये पीढ़ी से चले आए हैं, तो गणपति बापा के खूबसूरत होने का हमारा प्यार, उनके प्रति जो श्रद्धा है, और हम लोग चॉइस करते हैं कि हमारे घर में इस साल में ये ऐसे गणेश जी आना चाहिए, पहले हम लोग सोचते समझते हैं उसके बाद लाते हैं, और थोड़ा बहुत टच जब हम लोग घर में बैठ के खुद करते हैं, पप्पा को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है जो इतने प्यारे लगते हैं। बहन जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो सभी को ये गणपति उत्सव, हालांकि महाराष्ट्र की पूरे देश भर में मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, तो हम सभी की तरफ से पूरे देशवासियों को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या आगमनाच्या सर्वांना सर्वप्रथम शुभेच्छा। आणि आज आम्ही ज्या वर्मा बबीता वर्मा मॅडम यांच्या घरी जो गणेशाची मूर्ती पाहिली आहे ती खूप म्हणजे खूप आकर्षक आहे, आणि त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर असं वाटतं की खरोखर आपण गणपती बाप्पाच्या समोरच बसलेलो। आणि प्रत्येक वर्षानुवर्ष आम्ही लहानपणापासून आम्ही मूर्त्या बघत आलेलो आहोत, पण या मूर्तीमध्ये काय असं विशेष आहे की असं वाटतं की आपण खरोखर देवाच्या पुढ्यातच उभे आहोत,
आणि मूर्ती खूप छान आहे आणि हा सण खूप चांगल्या तऱ्हेने साजरा केला जातो पूर्ण महाराष्ट्रभर पूर्ण भारतामध्ये आणि भारताच्या बाहेरही खूप चांगल्या प्रकारे हा सण साजरा केला जातो आणि भारतातल्या आणि माझ्या सर्व महाराष्ट्रातल्या आणि मुंबईमधल्या जे गणेशोत्सव साजरा करतात त्यांना माझी एकच विनंती आहे की हा सण जेव्हा आपण गणेश विसर्जन करत असतो त्यावेळेला कोणते फटाके वाजवू नका की कोणाला त्रास होईल जे आजारी असतात किंवा आपले प्राणी आहेत त्या प्राण्यांना त्रास होऊ नये पक्ष्यांना त्रास होऊ नये एवढीच माझी इच्छा असते. शैलेश जी आप बताइए. आदरणीय लोकमान्य तिलक जी ने इस त्यौहार की जो शुरुआत की थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोगों के अंदर प्यार बढ़ने के लिए एक संघर्ष के लिए एकत्रित होने के लिए उसी परंपरा को आज आदरणीय बबीता दी जी ने कायम रखा है और आज हम लोग सब इकट्ठे हुए ये चांस जो मौका मिला है इकट्ठे होने का एक मिल के बात करने का बहुत अच्छा लग रहा है. और जैसे कि अध्यात्म के साथ साथ जो है ना इंसानियत का भी जो है ये जैसे कि करण सिंह जी ने बताया कि जो पशु प्रेमियों के लिए जो है पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए पर्यावरण पे ध्यान रखना चाहिए और कुछ जैसे कि जहाँ पे बापा जी को चढ़ाते हैं तो रास्ते पे कुछ जो है ना स्ट्रीट पे कुछ भिखारी लोग रहते हैं उनको भी कुछ खिलाना चाहिए पिलाना चाहिए कुछ बांटते रहना चाहिए और जितना हो सके सोशल वर्क भी करना चाहिए इतना ही मेरा संदेश है. और मेरे तरफ से हमारे घर में मेरे भाई शैलेश जी आए हैं जयसवाल और सारे ग्रुप आया है उनका मिशन पत्रकारिता का इसको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं. मेरे घर आकर मेरे पप्पा जी के दर्शन किए उनकी सबकी मनोकामना और पूरे ग्रुप की और हमारे पूरे सभी परिवार की सभी की मनोकामना पूरी हुए. गणपति बाप्पा. हाँ तो सर बताइए क्या कहना चाहेंगे आप गणपति बाप्पा मोरिया. सर जितने भी त्यौहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और सब लोग आपस में मिल के बांट के सब लोग मनाते हैं त्यौहार तो मैं बहुत अच्छा समझता हूँ. सिस्टर आप क्या कहना चाहेंगे इतने अच्छे गणपति बप्पा आए. वैसे तो हमारे घर पे हमेशा ही अच्छे गणपति आते हैं पर ये साल जो है थोड़े और अच्छे आए हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद का है. लॉकडाउन के 2 साल हम लोग ने खुद के हाथ से बना के गणपति रखे थे मिट्टी के. ये साल हम लोग लेकर आए हैं तो ये साल हम लोग सोच रहे हैं कि किसी भी चीज की कमी ना रहे उसमें तो घर में बहुत अच्छा लग रहा है. जी आप क्या कहना चाहेंगे. नमस्ते. मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमने यहाँ पे कदम रखा मुझे तो ये लगा कि मैं सिद्धिविनायक मंदिर में एंटर कर रही हूँ. जो माहौल जो पॉजिटिवनेस यहाँ लगा और इसमें हमें जो एनर्जी मिल रही है यहाँ पे गणपति बप्पा का दर्शन करके वाकई में लग रहा है वो साक्षात यहाँ पधार चुके हैं और सभी को अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. तो उसके लिए मैं गणपति बप्पा को और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि इतने अच्छे मौके पे सभी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सभी के ऊपर वो एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है जो शायद ही हमें किसी जगह मिलती हो. और ये जो सकारात्मक यहाँ पे जो हमें थिंकिंग मिल रही है जो सुनने को मिले जैसे भैया ने भी इतने अच्छे शब्द बोले तो काफ़ी अच्छा लगा कि जिनकी सोच इतनी अच्छी है तो उनका घर कितना अच्छा होगा. और बप्पा ऐसी जगह पे पधारे भी हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. मैडम आप बोलिए. बहुत अच्छा लगा है. हम जैसे गणपति के मौके पर ऐसे तो कोई मिलता नहीं है लेकिन इस मौके पे सब अनजान लोग फ्रेंड लोग एक दूसरे से मिलते और समझते एक दूसरे की बातों को. गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया. थैंक यू सो मच. अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की खास रिपोर्ट. फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ. तब तक मुझे इजाजत दीजिए. नमस्कार.